यूपी नीट का डीजीएमई ने ब्रोशर प्रकाशित कर दिया है और साथ ही एक और नोटिफिकेशन डीजीएमई ने अपने वेबसाइट पे डाला जिसमें सीट लीविंग के जो बॉन्ड है यानी कि आप बीच में सीट छोड़ दें तो उसमें जो आपका बॉन्ड साइन होता है उसके नियम में परिवर्तन के बारे में जानकारी दी है। तो इस वीडियो में बेटा इसी जानकारी को आपके साथ शेयर करेंगे कि जो सीट लीविंग बॉन्ड है उसकी जो कंडीशन है उनमें परिवर्तन कर दिया है डीजीएमई ने और इस परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स पार्शल ड्रॉप लेते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा और जो स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जाके अपनी सीट खो देते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां देखिएगा एक पब्लिक नोटिस है जो 2 अगस्त को आया है वो आपके सामने है। पब्लिक नोटिस महत्वपूर्ण सूचना सीट लीविंग बॉन्ड के संबंध में आवश्यक सूचना। शासनादेश दिनांक 26 जून 2024 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज और संस्थानों चिकित्सा विश्वविद्यालयों के स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेशोपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी से सीट लीविंग बॉन्ड धनराशि अथवा अर्थदंड लिए जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एनएमसी के पत्र दिनांक 19/1/2024 के 5 द्वारा दिए गए सुझाव के क्रम में यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा। उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि शासनादेश 26/6/2024 में निहित प्राविधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्नातक स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों पर लागू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पूर्व के प्रवेशित अभ्यर्थियों पर शासनादेश दिनांक 26/6/2024 की व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो इस नोटिस में उन्होंने बताया है कि सीट लीविंग बॉन्ड जो था उसमें अब जो स्टेट के जो क्लॉज थे वो खत्म हो रहे हैं। एनएमसी ने जो 19/1/2024 को एक सुझाव दिया था और कहा था जो स्टूडेंट बीच में ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई वो चाहे एमबीबीएस की हो चाहे बीडीएस की पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल जो प्रवेश प्रक्रिया है जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसे डिबार कर दिया जाए। तो अब इसका असर क्या होगा बेटा, देखिए असर क्या है कि आप में से कई विद्यार्थी जो होते हैं जब मन चाही एमबीबीएस की सीट नहीं पाते हैं तो किसी कम रैंकिंग वाले एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं, वहां पर एडमिशन ले लेते हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ वो नीट की पढ़ाई भी करते रहते हैं जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर नीट का पेपर दे करके बेहतर कॉलेज पा जाए। अब उन बच्चों के लिए यहां प्रॉब्लम हो गई, क्यों? क्योंकि अगर आप सीट छोड़ेंगे और आपने अगले साल का नीट का एग्जाम भरा और इधर रिजाइन किया तो वो अगले साल आपको बैठने नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2024 में एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया या बीडीएस में एडमिशन ले लिया, बीडीएस के केस में ज्यादा होता है क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, वो कहते हैं हम बीडीएस का कोर्स करते रहते हैं साथ में और बीडीएस के कोर्स को करते करते हम अगर तैयारी करते रहे अगले साल हम एमबीबीएस की सीट निकाल लें, वो भी गवर्नमेंट सीट निकाल लें। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट बीडीएस में एडमिशन ले लेते हैं जिसकी फीस कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है तो सोचते हैं प्राइवेट बीडीएस में एडमिशन लेकर के पार्शियल ड्रॉप की तरह तैयारी करते रहेंगे और नेक्स्ट ईयर हम नीट भर करके एग्जाम दे सकेंगे। अब उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि सपोज आप 2024 में आपने एमबीबीएस की ऐसी सीट जिसको आप चाहते नहीं थे और आप उसे बेहतर सीट डिजर्व करते थे आपने वहां एडमिशन ले लिया, आपने बीडीएस में एडमिशन ले लिया। अब आप उस एडमिशन को लेने के बाद अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं नियम के अनुसार अब नेक्स्ट ईयर प्रवेश प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे यानी नीट में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से उन बच्चों के लिए ये नुकसान भी है जिन जो लोग पार्शियल ड्रॉप लेकर के मेडिकल कॉलेज में जाकर के ही साइड बाय साइड अगले साल के लिए अपग्रेडेशन के लिए तैयारी करते रहते हैं ये उनके लिए तो ये बुरी खबर है। लेकिन एक तरह से इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है क्योंकि अगर एक विद्यार्थी इस साल मान लीजिए एडमिशन लेकर के मेडिकल कॉलेज में गया बीडीएस और एमबीबीएस की वहां पर पढ़ाई कर रहा है और साथ ही साथ उसने अपनी नीट की भी तैयारी कर रखी है और ऐसा नियम ना लगा होता तो नेक्स्ट ईयर 2025 में नीट वो क्रैक कर लेगा, बेहतर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज पा जाएगा और वहां चला जाएगा तो ये सीट तो खाली रह जाएगी, वो आपकी एमबीबीएस की सीट जिसको आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको अगले साल बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल गया या बीडीएस में थे आपको एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिल गया तो आपने छोड़ दिया तो ये सीट तो खाली जा रही है, किसी और बच्चे के लिए छोड़ दीजिए। तो दोनों पहलू है, एक तो ऐसे बच्चे जो पार्शल ड्रॉप लेकर के तैयारी जारी रखना चाहते हैं
उनके लिए खराब न्यूज है, और वो दूसरे वो बच्चे जिनको लगता है आखिरी में कुछ रैंक की वजह से हमारा एडमिशन रुक गया था और वो सीरियसली एमबीबीएस और बीडीएस उन मेडिकल कॉलेज से करना चाहते थे, उनके लिए अच्छी खबर है। तो इस नोटिस का उद्देश्य ये था कि आपको बताएं कि जो बच्चे बीच में ड्रॉप करते हैं उनको ड्रॉप करने से पहले थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा क्योंकि नियम बदल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।